कंप्यूटर क्लास फोर्थ। हमने पिछली कंप्यूटर्स के पीरियड में लास्ट हमने पढ़ा था पेज नंबर 8, आउटपुट डिवाइस से पढ़ा दिया था। अब है स्टोरेज डिवाइस। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, दीज डिवाइस आर नीडेड टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इस डिवाइस की जो आवश्यकता होती है डाटा को स्टोर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए और सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए होती है। स्टोरेज डिवाइस आर मेमोरी यूनिट्स आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। स्टोर डिवाइस और जो मेमोरी यूनिट होती है वो इंटीग्रल पार्ट, वो अंदरूनी पार्ट होता है कंप्यूटर का। द कंप्यूटर मेमोरी स्टोर्स ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर मेमोरी स्टोर करती है ऑल डाटा, सभी डाटाओं को और सूचनाओं को रिक्वायर्ड्स बाई कंप्यूटर, जो कंप्यूटर द्वारा जरूरत होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। दो टाइप की कंप्यूटर मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, प्रारंभिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, अदर मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी आल्सो नोन एज द इंटरनल मेमोरी ऑफ मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, वो किसके नाम से जानी जाती है, इंटरनल मेमोरी, अंदरूनी मेमोरी के नाम से, और ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की। इज द मेमोरी, ये वो मेमोरी होती है दैट स्टोर्स डाटा, डाटा का स्टोर करती है, इकट्ठा करती है, एंड इंस्ट्रक्शन, सूचनाओं को प्रोसेसिंग करने के लिए। इट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद CPU, जो CPU से डायरेक्ट जुड़ी होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। दो टाइप की प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम एंड रोम, जिसको रैम और रोम बोलते हैं। रैम जिसका इसका ब्रॉड रूप में हम उसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग द डाटा टेम्पररली।